कोरोना बीमारी के चलते जहां देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 21 दिनों का लॉकडाउन घोषित किया था, हम इस वक्त मौजूद हैं हमीरपुर जिला मुख्यालय पर। आप देख सकते हैं किस तरीके का नजारा है, सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है, दुकानें पूरी तरीके से बंद हैं और लॉकडाउन के चलते जनता यहां की लगातार समर्थन कर रही है। और हमारे साथ बात करने के लिए हमीरपुर सदर विधानसभा सीट के जो विधायक हैं युवराज सिंह जी हैं, उनसे जानते हैं कि लॉकडाउन में किस कदर का आप मदद पहुंचा रहे हैं। विधायक जी ये बताएं किस तरीके से मदद पहुंचा रहे हैं आप? नहीं, हम लोग तो व्यवस्था देख रहे जो गवर्नमेंट की तरफ से दी गई है, सबके लिए खाना पहुंच रहा नहीं पहुंच रहा, बाकी पार्टी के निर्देश के अनुसार जहां पे लोग वंचित हैं या जहां पे हम लोग महसूस करते हैं कि यहाँ पे आदमी भूखा सो रहा है, तो हम लोग अपनी तरफ से पैक बना करके आटा दाल चावल तेल के पैकेट बना करके सप्लाई कर रहे हैं। क्योंकि लॉकडाउन में निर्देश हम लोगों को भी है कि कम निकलने के लिए, तो हम लोग भी निकल कम रहे हैं, लेकिन अपने वर्कर्स के थ्रू मोहल्लों की जानकारी कर लेते हैं और जो वहाँ पे कोई गरीब व्यक्ति है जो डेली कमाने या डेली खाने वाला है, ऐसे व्यक्तियों के हम लोग राशन पहुंचाने का काम कर रहे हैं। अच्छा, बहुत से ग्रामीण क्षेत्रों पर भी जिस तरीके से लॉकडाउन चल रहा है, उन लोगों को किस तरीके से प्रशासन से आप बात कर मदद पहुंचा रहे हैं? नहीं, प्रशासन से हम लोगों की बात है, और प्रशासन में अगर 112 नंबर पर भी आप लोग फोन कर देते हैं तो उनके यहाँ खाना पहुंच जाता है। और फिलहाल ग्रामीण क्षेत्र में जो हम लोगों ने जानकारी की, वहाँ पे चूंकि कटाई काम चल रहा है, इस समय वहाँ मजदूरी काम मिल रहा है लोगों को और रोज कमा रहे हैं वो लोग। मेरे ख्याल से अभी 15-20 दिन हुआ कि ग्रामीण क्षेत्र की स्थिति खराब नहीं होगी, लेकिन अगर आगे बढ़ता है तो होगी, प्रयास करेंगे जो और बन सकता है वहाँ पे भी किया जाए। आपने अपनी निधि का कितना प्रतिशत दान में दिया प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री? निधि हमारी थोड़ी है, वो तो जनता की निधि है। विधायक निधि देनी थी तो विधायक निधि पहले भी 10 लाख रुपए दे चुके थे, उसके बाद 1 करोड़ रुपए लिखे थे, लेकिन उसको शायद मुख्यमंत्री जी ने अब तो 1 साल की पूरी देने के लिए कहे, तो कोई दिक्कत नहीं, हम तो कहते पूरी ले लें। और हम तो ये चाहेंगे अगर चाहें तो तनख्वाहें और भी काट लें हम लोगों की, तो कोई दिक्कत नहीं। अगर समाज है तो हम लोग हैं। कोरोना बीमारी से निपटने के लिए जनता की क्या अपील? नहीं, जनता से अपील हमारी यही, घरों पर रहें, घर से बाहर न निकलें, बहुत जरूरी हो तो निकलें, अदरवाइज सोशल डिस्टेंसिंग रखें। हम लोग भी डिस्टेंस बना के ही चलते हैं, घर से निकलने से पहले हम लोग भी गाड़ी को पहले फोरलाइज कर लेते हैं, उसके बाद ही निकलते हैं, जब उसमें साफ करने के बाद उसके बाद निकलते हैं। और कोशिश करते हैं कि हम लोगों को भी कम से कम जाना पड़े, और जो लोग हैं उनके मोटरसाइकिल के थ्रू ही खाना रसद सामग्री पहुंचाई जाती है। जैसे कि आपने देखा, ये थे सदर विधायक जी, जिनका कहना था कि हम भी लॉकडाउन का लगातार पालन कर रहे हैं, और हमीरपुर की जनता से भी अपील करते हैं कि आप लोग भी लॉकडाउन का पालन करें, और जो मोदी जी ने कोरोना बीमारी से लड़ने का जो आह्वान किया उसमें हम सभी लोग मिलकर लड़े। के न्यूज इंडिया के लिए मुकेश